आगामी त्योहार गणेश उत्सव पर्यूषण पर्व मुहर्रम को देखते हुए जैसीनगर में राहतगढ़ एसडीओपी रघु प्रसाद ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी सहित नगर के लोग शामिल हुए। एसडीओपी रघु प्रसाद ने नगर वासियों से त्योहार पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के साथ शांति सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की बात कही। इसके साथ ही एसडीओपी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार गणेश विसर्जन चल समारोह में बिना परमिशन के डीजे नहीं बजाए जा सकेंगे। वहीं जैसीनगर थाना प्रभारी संतोष भदौरिया ने कहा कि सर आज जो बैठक का आयोजन किया गया उसका क्या उद्देश्य? उस शांति समिति की बैठक ली गई थी, इसमें जो आने वाले आगामी त्योहारों को लेकर लिया गया था। सभी समाज के त्योहार आ रहे हैं जिसमें सभी का कार्यक्रम चलना है, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना तथा अपने जैन मंदिर के जैन समाज के उनके भी त्यौहार आ रहे हैं, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने एक बैठक ली गई। इसमें चल समारोह गणेश विसर्जन के समय चलता है, इस समय अखाड़े वालों को भी बुलाया गया था और गणेश समितियों को भी बुलाया गया था, उनको समझाई दी गई कि शांतिपूर्ण सभी लोग त्यौहार मनाए। सरपंच और जनपद सीओ को भी बुलाया गया था, जो चल समारोह के रास्ते में कोई गड्ढे हो तो उसमें मोरम मोरम डाल के तत्कालिक व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। और इन जो समितियां जो रखने वाली हैं गणेश प्रतिमाओं को, उनको समझाई दिया गया कि विद्युत कनेक्शन लें और कोई भी नई जगह न लगाएं, किसी रास्ते पर न लगाएं, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो। तथा इनको ये भी समझाई दी गई कि जो भी प्रतिमा लगाते हैं दो आदमी कम से कम उसमें 24 घंटा उपस्थित रहें और जिससे सुरक्षा बनाई जाए। इनके मोबाइल नंबर और समितियों की सूची थाने पर उपलब्ध कराई गई है, जब भी किसी को जरूरत पड़े थाने फोन लगाया या थाने के लोगों को जरूरत पड़ेगी तो वहाँ फोन लगा लेंगे तथा मोबाइल पुलिस द्वारा मोबाइल करी जाएगी। हर सुरक्षा व्यवस्था के हर समिति हर प्रतिमाओं के पास पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी। सर इस बार जो चल समारोह निकालते हैं डीजे वालों को क्या नियम बताएगा इस बार? भाई ये डीजे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश के हिसाब से बिना परमिशन का कोई डीजे नहीं बजेगा। और दूसरा ये है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक किसी प्रकार का साउंड सिस्टम नहीं बजाया जाएगा, इस हिसाब से सबको समझाई।